सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने ऐप में एआई को इंटीग्रेट करेंगे और एआई से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका आंसर जो है हमें एआई रिस्पांस मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट को करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक परमिशन को ऐड करेंगे, वो है इंटरनेट की परमिशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये चार डिपेंडेंसी है, तो ये चारों डिपेंडेंसी को मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा। ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सिंपली वो टेक्स्ट फाइल से ये डिपेंडेंसी को कॉपी करिएगा और अपने प्रोजेक्ट को सिंक करिएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक हो चुका। अभी मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और आते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पे मैं लेआउट अपना डिजाइन किया हूँ। सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, जिसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एआई ऐप, और यहाँ एक स्क्रॉल व्यू लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट रखा हुआ है टेक्स्ट व्यू। ओके, यहाँ एक कार्ड व्यू लगाया मैंने और इसके अंदर एक लीनियर लेआउट लगा के एक एडिट टेक्स्ट को रखा है, एक इमेज व्यू को रखा है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने एक इमेज व्यू लगाया और इस इमेज व्यू के अंदर एक इमेज रखा है, वो सैंड आइकन है, और एक यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी लगाया मैंने, जिसकी विजिबिलिटी गॉन है। अभी हम आते हैं अपने मेन एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई क्लास क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल नाम से, ये एक्सटेंड कर रही होगी व्यू मॉडल को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेर एंसर, और फिर हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे एक म्यूटेबल, म्यूटेबल लाइव डेटा। ओके, इसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या करेंगे, और यहाँ पे फन बनाएंगे सेंड, सेंड क्वेश्चन नाम से एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे करेंगे व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे जो होगा हमारा प्राइवेट, और इसका नाम हम देंगे एंसर। ओके, और यहाँ पे हम फिर से इस वाली पैरामीटर को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ वॉल जेन एआई बाई लेजी मॉडल, और इसके अंदर क्या करेंगे, मॉडल नेम, मॉडल नेम हमें देना है जेमिनी प्रो। ओके, ये हो गया। एपीआई की, एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, आपको सिंपली चले आना है यहाँ इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी आपकी। सिंपली आपको गूगल से लॉगिन करना है यहाँ पे, और आपको जो है वो यहाँ पे आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। तो आपको मेरी वाली एपीआई की को कॉपी नहीं करना, मैं इसे वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट कर दूंगा, तो आपको अपनी क्रिएट करना और यहाँ पे पेस्ट करना। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका रिटर्न फंक्शन का रिटर्न टाइप हम स्ट्रिंग रखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न जेन एआई डॉट स्टार्ट चैट डॉट सेंड मैसेज। यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट टू स्ट्री, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर, सॉरी, आंसर इक्वल टू, आंसर डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे कॉल करेंगे गेट आंसर को, और यहाँ पे क्वेश्चन को पास कर देंगे। ये हो गया, हमारा व्यू मॉडल का काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मैं अपने व्यू बाइंडिंग जो है उसको इनेबल रखा हुआ, आप भी चाहें तो यहाँ से इसको अपने बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल में ऐड करके अपने व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लीजिएगा, और ऐसे आप जो है एक्सेस कर पाएंगे अपने लेआउट फाइल को। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वॉल व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर यहाँ पे दीज पास करेंगे, प्रो ओनर देंगे इसे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने व्यू मॉडल को पास कर देंगे। तो ये व्यू मॉडल कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, माई यहाँ पे व्यू मॉडल डॉट आंसर डॉट ऑब्जर्वर, और यहाँ पे लाइफ साइकिल ओनर पास करेंगे दीज, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ऐड करेंगे, ओके, ये हो गया। यहाँ करेंगे बाइंडिंग डॉट आई एम जी सैन डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट विजुअल बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट विजुअल व्यू डॉट गॉन, ओके, ये हो गया। यहाँ बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट एन एस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इट करेंगे, ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद बाइंडिंग डॉट आई एम जी सेंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर वॉल एन एस इक्वल टू बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्री, ओके। तो ये जो है हम अपने एडिट टेक्स्ट से टेक्स्ट को ले रहे हैं, ठीक है, मैंने अपनी एडिट टेक्स्ट की आईडी टेक्स्ट रखी हुई है, और यहाँ क्या करेंगे, व्यू होल्डर डॉट सेंड क्वेश्चन, यहाँ पे अपने एएनएस को पास कर देंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, अपने एडिट टेक्स्ट को एम्प्टी करेंगे, और ये जो है इसे यहां से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसे बॉन कर देंगे, और इसे बीसोल कर देंगे। बस इतना सा हमें काम करना था। चलिए अब प्रोजेक्ट को जल्दी से रन कर लेते हैं, और रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी जो है हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब मैं सिंपली इसे हाई लिखता हूँ और अपने मैसेज को सेंड करते हैं। ये देखिए हमें रिस्पॉन्स में दे दिया, जो हमारा आंसर है वो, मैं यहाँ इसको बोलता हूँ
क्रिएट सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन कोटलिन। ये देखिए हमारा जो हेलो वर्ल्ड का कोटलिन का प्रोग्राम है वो हमें इसने दे दिया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी बहुत आसान तरीके से अपने ऐप में AI को इंटीग्रेट करना। आप चाहें तो आप यहाँ पे अपने मैसेजेस को रिसाइकलर व्यू में शो करा सकते हैं, आप एक चैट जैसा इंटरफेस बना सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। और अगर आपको चैट लेआउट कैसे बनाना है इसमें दिक्कत है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है एक चैट ऐप की, आप वहां पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा एक चैट का लेआउट कैसे बनाएंगे, तो आप वहां से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।